गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने देखा जिगर थंडा डबल एक्स का टीजर। जी हाँ गाइस, एक तेलुगु मूवी होने वाली है और कमाल की मूवी। इसकी स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे राघव लॉरेंस सर और एस जे सूर्या। जी हाँ गाइस, राघव लॉरेंस को तो आप पहले से ही जानते हो, वो बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हैं। पहले मास मूवी में आए थे जो कि मेरी एक फेवरेट मूवी थी, उसमें इनका स्टाइल और इनकी एक्टिंग और इनका जो संगीपन था लाइक फनी मोमेंट, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। और उसके बाद इनकी मूवी मैं देखी कंचना। जी हाँ, कंचना में एक हॉरर मूवी थी जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। उसका भी एक रीमेक बनाया गया बॉलीवुड में जिसका नाम था लक्ष्मी। जी हाँ गाइस, बहुत ही अच्छी मूवी थी वो भी, लेकिन रीमेक थी तो रीमेक ही होते। आखिर पहले वाली जो मूवी होती वो अच्छी थी कंचना। जिगर थंडा मूवी जो थी ना राघव लॉरेंस सर की, उसका भी रीमेक बनाया गया था बॉलीवुड में जिसका नाम था बच्चन पांडे। जी हाँ गाइस, वो भी एक रीमेक थी, अक्षय सर ने वो भी बनाई। तो अब ये जिगर थंडा का एक सीक्वल होने वाला है, जिगर थंडा डबल एक्स। जी हाँ गाइस, इसका टीजर मैंने देखा, कमाल का टीजर है। पहले दिखाते हैं एस जे सूर्या सर जो कि एंट्री मारते हैं और हाथ में वो कुछ बजाने वाला होता है, तो राघव सर उधर अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं, झोपड़ी में कुछ काम कर रहे होते हैं, लोहे को पिघला कर कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं। तो बाहर से जब वो आवाज़ सुनते हैं, पहले उसका फेस रिवील करते हैं, और क्या फेस रिवील होता है, आधा मिरर में आधा नॉर्मल। और फिर जब वो बाहर आते हैं हाथ में गन लेकर, कमाल की एंट्री होती है, धुआंधार एंट्री भाई साहब। और उनको जो लुक दिया गया वो बहुत अच्छा है ना, लुक बहुत ही प्यारा होने वाला है, एक गैंगस्टर लुक, बाल बिखरे हुए और गले में वो कुछ डाला होता है उन्होंने गोल सा, तो बहुत ही अच्छी लुक है उनकी। और क्या कलर टोनिंग की गई है, टीजर की कलर टोनिंग बहुत ही अच्छी है, डार्क से कलर दिए गए हैं और टीजर की एडिटिंग भी बहुत अच्छी की गई है। उसके अलावा एस जे सूर्या सर का जो कैरेक्टर है वो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा है, क्योंकि उनके एक इशारे पे वो जैसे तीर का इशारा करते हैं, तीर छोड़ते हैं तो उस पे जो लोग आते हैं इकट्ठे, एकदम से लोग आ जाते हैं राघव सर को मारने, तो वो बहुत ही कमाल का लगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आधे पुलिस वाले होते हैं और आधे कुछ गुंडे लोग होते हैं, अब पता नहीं ये फिल्म में क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है इन सबका। और राघव सर की एक्टिंग भी कमाल है, आप सभी ने पहले भी देखा होगा उनको, तो अभी देखते हैं ये मूवी कैसे होने वाली है। उसके अलावा जो राघव सर पर लोग अटैक करते हैं तो वो नीचे ज़मीन में हाथ डालकर कैमरा निकाल लेते हैं। इससे मुझे एक चीज़ याद है कि जो पहले वाली फिल्म थी मैं जैसे दिखाया गया था कि एक हीरो होता है वो गैंगस्टर पर एक स्टोरी लिखना चाह रहा होता है, ये स्टोरी भी मुझे कुछ उसके जैसी ही लग रही है, सिमिलर होने वाली है, तो बाकी देखते हैं क्या होगा। तो ये थी कुछ न्यू अपडेट टीजर को लेकर, और मूवी कब आएगी ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए।